वालेकुम, दिस इज एनी। कैसे हैं आप सब लोग? आए हो बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान शरीफ की आमद आमद है और हम लोग यहाँ पर आए हैं शॉपिंग करने रमज़ान शरीफ की। और जो उम्मीद है आप लोगों ने भी शॉपिंग जो है वो शुरू कर दी होगी, हो सकता है कुछ लोगों ने कंप्लीट भी कर ली हो, लेकिन हम लोग जो है वीकली ही शॉपिंग करते हैं रमज़ान की, क्योंकि हमारा जो मेन्यू है वो हर 10-15 दिन बाद जो है वो चेंज होता है। तो हम इसलिए 10 दिन की पहले शॉपिंग करते हैं, फिर जो नेक्स्ट 10 डेज होते हैं उनकी हम दोबारा शॉपिंग करते हैं। सो जी, शॉपिंग करने हम आए हैं जी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। मॉल्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पे कोई चीज़ है कोई चीज़ नहीं है, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता है। केयरफुल की अच्छी बात यह है कि आपको हर चीज़ ज़रूरत की वो यहीं पर ही एक ही जगह मिल जाती है, विच इज़ बेस्ट। तो हम यहाँ पर आए हैं, हम शॉपिंग करते हैं। और रास्ते में जो है हमारी जो फातिमा वो बहुत एक्टिव थी, लेकिन अब वो सो चुकी है। लेकिन जैसे मैं बाहर निकलूँगी गाड़ी से वो फिर से एक्टिव हो जाएगी, फिर मैं आपको मतलब फिर से आपको पता चलता रहेगा कि फातिमा भी हमारे साथ शॉपिंग करेगी, सोएंगे रहेगी, ठीक है। और आप लोग भी चलें हमारे साथ शॉपिंग करने। और उससे पहले एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है लाइफ विद एनी एंड फातिमा, एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। जी बेटा, अच्छा अच्छा नहीं भाई नहीं। So we decided to go to Al Fata and I am hoping कि यहाँ पे SOPs को जो है follow किया जा रहा होगा। All it takes is patience, ठीक है जी। क्राउड तो हर जगह होने वाला है, बस हमें चाहिए कि हम थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें, SOPs को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें जो बनाए गए हैं, सो दैट ना आपको किसी की वजह से परेशानी हो, ना किसी को आपकी वजह से परेशानी हो। आप घर से जब भी बाहर निकलें शॉपिंग के लिए या किसी और काम के लिए, प्लीज़ गैप जो है वो मेनटेन रखें प्लीज़। Start our shopping.
अच्छा जी, आलू और प्याज के बाद मैंने बनाने हैं जी स्प्रिंग रोल। उसके लिए मुझे कुछ सब्ज़ी चाहिए थी, वो भी मैंने ले ली है। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स भी, क्योंकि हम जो हैं घर में कुछ सब्ज़ी भी बनाएंगे। ये नहीं है कि हर वक्त फ्राइड चीज़ें ही चलेंगी। ठीक है, ये तो खूबसूरती है रमज़ान शरीफ की के पकौड़े, समोसे और रोल वगैरह चलते हैं, लेकिन साथ साथ हमने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। हर वक्त फ्राइड चीज़ें खाना इज़ नॉट सेफ। ऑलरेडी कोरोना चल रहा है तो आपने डबल एहतियात करनी है। ठीक है जी, इसलिए जो है सब्ज़ी ज़रूर अपने घर में बनाएं और हेल्दी खाना खाएं, और मैक्सिमम कोशिश करें कि फ्राइड चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। ठीक है, और आप लोग चाहें तो वेजिटेबल्स में आप मीट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर सब्ज़ी ऐड करें अपने मेन्यू में। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी और फ्रूट की जो है शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शॉपिंग करेंगे जी। यहाँ से मुझे चाहिए जामे श्री, ये तो बहुत ज़रूरी है। वो खजूरें नहीं हैं जो हम खाते हैं रमज़ान मुबारक में, और सेकेंडली ये बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस। जी तो फातिमा एंड आई लव नूडल्स so much, तो नूडल्स तो स्किप हो ही नहीं सकते। यहाँ से मुझे चिकन चाहिए था, और चिकन बोनलेस भी जो है वो मैंने दो ट्रे लिए हैं चिकन बोनलेस के। और ये है जी एल्युमिनियम फॉइल, और ये है जी पत्ती भी हो गई, एल्युमिनियम फॉइल भी हो गया, और ये हैं जी वो खजूरें जो हम खाते हैं बहुत शौक से। मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ, दो तो मस्त होती हैं इफ्तार के टाइम की, मैंने खानी ही खानी है। दीज आर माई फेवरेट। ठीक है जी, तो ये हो गए, और ये है जी जैम, और ये है जी मेरी फेवरेट मोस्ट फेवरेट हॉट सॉस। इसके बगैर नहीं है। जी तो यहाँ से हमने लिए हैं कुछ ज़रूरी मसाले वगैरह, और ये है जी पाया मसाला जो हम ऐड करते हैं जी अपने जो रात को सहरी में बनाते हैं चने, और उसकी जो रेसिपी है मैं अपने कमिंग ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी ज़रूर घर में बनाएं और ट्राई करें, और मुझे ज़रूर फीडबैक दें क्या आपने बनाए और कैसे बने। ठीक है जी, तो अपनी जो शॉपिंग है वो हम जारी रखते हैं। गेट अनदर ट्रॉली, ये फुल हो गई है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले ही मंगवा ली थी, अब हम थोड़े से जो ये टिशू बॉक्स हैं वो इधर शिफ्ट करेंगे दूसरी ट्रॉली में, और वैसे भी हमारी थोड़ी सी शॉपिंग रह गई है वो कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, और फिर हम जाएंगे काउंटर पे और बिलिंग करवाएंगे। अच्छा जी, ये टिशू बॉक्स जो है वो मैंने शिफ्ट कर लिए हैं दूसरी ट्रॉली में, और फातिमा साहिबा जो हैं वो शॉपिंग करके बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, सो शी इज़ टेकिंग सम रेस्ट नाउ।
मैंने ली है जी ब्राउन शुगर, और ये है जी मैदा, दो पैकेट लिए हैं मैंने, और ये है जी बेसन। अच्छा जी, हमारे घर में होता ये है कि रोल, पकोड़े और समोसे जो हैं वो घर पे बनाए जाते हैं, और मार्केट से जो है कुछ फ्रोज़न चीज़ें भी जो हैं हम लेते हैं, ठीक है, जिसमें विंग्स हो गई कैनन्स की, और एक दो और चीज़ें जो हैं हम लेते हैं, जैसे टेम्पूरा है और चीज़ बॉल्स भी हैं, वो भी हम लेते हैं, ठीक है जी। ये स्विच होती रहती हैं पूरे माह रमज़ान में, ठीक है जी। एक ही जैसा मेन्यू हमारा नहीं रहता, ठीक है। हमने यहाँ से फ्रोज़न भी ले लिया है, हमारी ऑलमोस्ट जो शॉपिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और ये है जी मलंगवा, ये गर्मियों में इसको भी पीने का बड़ा ही अलग ही मज़ा होता है। ये मैंने चिकन क्यूब्स लिए हैं जो फातिमा को पता नहीं क्यों बहुत पसंद है, हमेशा उठा के बैठ जाती है। इलायची भी मैंने ले ली है, फातिमा की योगर्ट भी ले ली है। अब मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए बिलिंग की तरफ, लेकिन मुझे लग रहा है एक दो चीज़ें मैं मिसिंग है, वो मैं चेक कर लेती हूँ। सी, दिस वॉज मिसिंग किंग टॉक्स, वेरी नेसेसरी। आपके घर में अगर कोई कीड़े मकोड़े जो हैं वो घुस आते हैं तो उनको ये आपके घर में रहने नहीं देगा, ठीक है जी। और ये है जी कम्फर्ट, कपड़ों के लिए बहुत अच्छा है। ये दोनों रह गए थे, वो भी हमने ले लिए। इन दी एंड आई गॉट सुपर टायर्ड। पहले केयरफोर गए हम लोग, और फिर वहाँ से इधर अलफतेह पे आना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, और बस फिर शॉपिंग करते करते तो मैंने यहीं से सोचा कि मैं यहीं पे ही आपको अल्लाह हाफिज़ बोल दूँ। तो आई होप आपको आज का जो है ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। और एंड में मैं आपसे यही कहूँगी कि इतना प्यारा महीना आया माशाल्लाह से माह रमज़ान का, तो आप लोग जो हैं अपने इर्द गिर्द देखें, अगर किसी ज़रूरतमंद को आपकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी करें। आप ये देखें कि आप लोगों को अल्लाह ताला चुनता है, कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं ना तो आप अल्लाह की तरफ से चुने जाते हैं आपकी, वरना ख़ुद की कोई हैसियत नहीं होती, इंसान की कोई हैसियत नहीं है, मेरी या आपकी कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह ताला चुन लेता है कि किसी की आप काम आ जाते हैं इस दुनिया में। तो कोशिश पूरी करें कि आप किसी ज़रूरतमंद के जो हैं काम ज़रूर आएँ, एंड मे दिस रमदान ब्रिंग द ब्लेसिंग्स फॉर द इंटायर ह्यूमनिटी। और कहते हैं ना कि नियत वल मुराद होती है, आपकी नियत अच्छी है ना तो अल्लाह ताला आपका साथ ज़रूर देते हैं। और जाते जाते मैं ये भी कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है लाइफ विद एनी एंड फातिमा, एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। आई विल सी यू इंशाल्लाह इन अनदर ब्लॉग सून, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट जानें।